उत्तराखंड में मॉनसून के आने के बाद से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है और कहीं कहीं पर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। इसी बीच एक तस्वीर बद्रीनाथ नेशनल हाईवे से सामने आई। यहां लामबगड़ में शनिवार देर रात एक नाला उफान पर आ गया, जिसके चलते बद्रीनाथ धाम जा रही एक बुलेरो गाड़ी नाले में फंस गई। दरअसल पुलिस से बताया कि गाड़ी में सवार श्रद्धालुओं को थाने में रुकवाया गया। यात्री पश्चिम बंगाल के रहने वाले। हाईवे बंद होने से सभी गाड़ियों को पांडुकेश्वर में ही रोक दिया गया। छिनका में बद्रीनाथ हाईवे शनिवार को करीब 5 घंटे तक बाधित रहा। यहाँ सुबह करीब 5 बजे पहाड़ी का एक हिस्सा भरभराकर हाईवे पर आ गया था, जिससे हाईवे के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लग गई। सुबह 10 बजे हाईवे के खुलने पर तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली। बताया जा रहा है कि यहाँ पहाड़ी से अब भी पत्थर और मलबा लगातार धीरे धीरे गिर रहा है, जिससे खतरा टला नहीं है। वहीं खबर आ रही है कि भारी बारिश के कारण मलबा और पुश्ता टूटने से चमोली में 6 मोटर मार्ग अवरुद्ध हैं। सड़कों को सुचारू करने के लिए जेसीबी मशीनें लगाई गई हैं। इधर सड़कें बंद होने से गांव वालों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। उन्हें मीलों की दूरी पैदल ही तय करनी पड़ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजशुमारी।